हमारे साथी यमन ने लिखा है कि साल 2012 मेरे 10वीं बोर्ड एग्जाम में ठीक ठाक CGPA आ गए, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि साइंस ले लेते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। हुआ बहुत कुछ, लेकिन सारे काम पढ़ाई से दूर। 11वीं क्लास को वैसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे टीम इंडिया ने इस T20 वर्ल्ड कप को ट्रीट किया। ऊपर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कोई खास मददगार साबित हो नहीं रही थी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब सिर के ऊपर जा रहे थे। शाम को केमिस्ट्री ट्यूशन होता, जहां साथी और हम बस एक घंटा पूरा होने का वेट करने लगते। हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के लिए काफी था। ऐसे में एक दिन ट्यूशन से पहले एक दोस्त ने प्रस्ताव रखा कि ट्यूशन बंक कर लेते हैं, घर चलते हैं। एक मूवी डाउनलोड की गई कि वो देखेंगे। सभी में से एक लौता डायल अप इंटरनेट कनेक्शन वाला वो बंदा था। ट्यूशन अटेंड करने की नीयत किसी की थी नहीं, इसीलिए सब चुपचाप उसके घर को हो लिए। घर पहुंचने पर उसने अपने मॉनिटर स्क्रीन वाले कंप्यूटर पर फिल्म प्ले की, वन वाइल्डर 2, एक अडल्ट कॉमेडी। कहानी थी एक इंडियन ओरिजिन वाले लड़के की जो कॉलेज ज्वाइन करता है। फिल्म के एक एक जोक पर सब खूब हंसे, इतना कि सोच कर शर्म आती है। अब फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद आया वो इंडियन लड़का, जिसके बारे में और जानने की फिर इच्छा हुई। गूगल किया तो पता चला कि भाई साहब का नाम कैल्पन है, और उन्होंने और भी फिल्में की हैं, जिसमें से हैरोल्ड एंड कुमार गो टू व्हाइट कासल सबसे पॉपुलर है। अब बस ये वाली पिक्चर देखनी थी, शुभ मुहूर्त देखकर फिर ट्यूशन बंक कर लिया। तब तक इंटरनेट कनेक्शन वाले दोस्त ने फिल्म भी डाउनलोड कर ली थी। दो लड़के जो बेचारे बस बर्गर खाना चाहते थे, ये था फिल्म का प्लॉट। फिल्म हमारी फेवरेट कॉमेडीज में से एक बन गई। आज भी जब मिलते हैं तो हैरोल्ड एंड कुमार के रेफरेंसेस में ही बात करते हैं। लाइफ सबके लिए आगे बढ़ गई, लेकिन कैल्पन उन दिनों के नॉस्टैल्जिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनकी लाइफ और करियर से जुड़ा कोई भी अपडेट आता है तो फॉलो करते हैं, जैसे जब उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने की इच्छा जताई। हाल ही में उनको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज बाहर आई। कैल ने अपनी बुक यू कैन बी सीरियस रिलीज की। बुक से रिलेटेड एक इंटरव्यू में कैल ने बताया कि वो होमोसेक्सुअल हैं। कैल ने आगे कहा कि वो पिछले 11 सालों में अपने पार्टनर जॉर्ज के साथ रिलेशनशिप में हैं और दोनों एंगेज्ड हैं। कैल ने बताया कि और लोगों की तुलना में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी काफी ज्यादा लेट डिस्कवर की। कैल सिर्फ एनी अदर इंडियन ओरिजिन एक्टर नहीं है, उनकी लाइफ और करियर में बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स घट चुका है जो उनकी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाता है। हाय, मैं हूं सोनाली। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिनेमा का स्पेशल मैटनी शो। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट, जिसे लिखा है हमारे साथी यमन ने, और आज हम बात करेंगे कैल्पन की। 1991 में मीरा नायर की फिल्म आई थी मिसिसिपी मसाला, जिसे अमेरिका के न्यूजर्सी में रहने वाले कल्पेन मोदी ने देखा। कल्पेन के पेरेंट्स गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ। कल्पेन तब 7th ग्रेड में थे। मीरा नायर की फिल्म ने उन्हें उनके नन्हे दिमाग पर गहरा असर डाला, इतना कि वो खोज खोज कर मीरा के बारे में पढ़ने लगे। तय कर लिया कि लाइफ में आगे कुछ भी बने, लेकिन एक्टिंग तो करनी करनी है बस। अपने देसी पेरेंट्स को ऐसी करियर चॉइस के लिए मनाना आसान तो नहीं था, किसी तरह कन्विंस किया और घर वाले मान गए। इसके बाद का सफर स्मूथ होता चला गया। एक्टिव तौर पर थिएटर करने लगे और आखिरकार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। कल्पेन को पता था कि फिल्मों में काम करना है तो लॉस एंजलिस तो आना ही पड़ेगा, इसीलिए वो 95 में LA शिफ्ट हो गए। रहने के लिए अपनी जगह नहीं थी, इसीलिए और जॉब्स करते ताकि रेंट और बाकी चीजें मैनेज कर सके। कल्पेन का खर्चा पानी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक्टिंग फ्रंट पर अभी भी वैसी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी जिसकी उन्हें तलाश थी। वो अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे थे, फिर भी समझ नहीं आया कि कमी कहाँ रह गई है। ऐसे ही एक रात अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, सभी एक्टिंग और फिल्म बैकग्राउंड वाले दोस्त। कल्पेन ने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, दोस्तों की तरफ से सुझाव आने शुरू हो गए। किसी ने कहा ये करके देखो या ये ट्राई करके देखो। ऐसे एक सजेशन में से एक था कि नाम बदल कर क्यों नहीं देखते, तुम्हारे नाम के साथ स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है, इसलिए कास्टिंग डायरेक्टर्स काम देने से कतराएंगे। कल्पेन को ये सलाह सही लगी, बस फिर क्या था, नामों के सुझाव आने लगे। किसी ने उन्हें कहा कि काल पचीनो रख लो, तो किसी ने कोई दूसरा कॉम्बिनेशन सुझा दिया। रात खत्म होने को थी तभी एक दोस्त ने कहा कि अपने फर्स्ट नेम के साथ कुछ क्यों नहीं करते, जैसे कल्पेन को तोड़ मरोड़ कर कुछ नया बनाया जा सकता है। कल्पेन ने ट्राई किया और बना कैल्पन। ये नाम उन्हें जच गया, तय कर लिया कि प्रोफेशनली अब यही नाम यूज करेंगे। काश सिर्फ नाम बदलने से कैल का सफर आसान हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ भी और नहीं भी, उसी के बारे में आगे बात करते हैं।
हॉलीवुड में लंबे समय से इंडियन कैरेक्टर्स को स्टीरियोटिपिकली दिखाया जाता था, स्टीरियोटिपिकल तरीका आजमाया जाता था उसके लिए। जैसे इंडिया है तो तांत्रिक होगा, सांप पकड़ने वाला होगा, या फिर गांधी जैसा कोई होगा। बस इतनी सीमित परिभाषा थी इंडियन कैरेक्टर्स की। ऐसे स्टीरियोटाइप का एक बड़ा एग्जाम्पल हम इंडियाना जोन्स और द टेम्पल ऑफ डूम में भी देख चुके थे। साथ ही इंडियन किरदारों को एक खास एक्सेंट दिया जाता है और उन्हें उसी ढंग से डायलॉग बोलने होते हैं। हालांकि अब ग्लोबलाइजेशन की बदौलत ये जो ट्रेंड है कुछ कम होता दिख रहा है, लेकिन कैल को भी अपने शुरुआती दिनों में इस तरह का रेसिज्म फेस तो करना ही पड़ा, वो भी अनगिनत मौकों पर। जैसे कैल जब लॉस एंजलिस शिफ्ट हुए तब ऑडियंस ढूंढा करते थे। एक बार उन्हें पता चला कि किसी एड की कास्टिंग चल रही है तो वो वहां पहुंच गए। कास्टिंग डायरेक्टर की नजरें जैसे ही उन पर पड़ी, उनसे पूछ लिया कि तुम्हारी पगड़ी कहाँ है। कैल ने कहा कि वो सिख नहीं है इसलिए पगड़ी नहीं पहनते। इस पर कास्टिंग डायरेक्टर बिगड़ गए। फिर कैल उसे सिख और गैर सिख का फर्क समझाने लगे, लेकिन वो तो सुनने को तैयार नहीं। कहने लगी कि कम से कम घर जाकर अपने सिर पर कोई बेडशीट ही लपेट कर आ जाओ। कैल घर आ गए, लेकिन वापस ऑडिशन वेन्यू पर लौटने के लिए नहीं। कैल ने बात दिल पर नहीं ली और आगे ऑडिशन देते रहे। उन दिनों सबरीना द टीनेज विच नाम से एक सिटकॉम आता था, जिसके एक एपिसोड के लिए इंडियन ओरिजिन वाले एक्टर की जरूरत थी, कैरेक्टर चाहिए था। कैल ने अपने छोटे कजन से शो के बारे में सुना था, उसके फैन थे। कैल ने सोचा कि ऑडिशन तो दे ही देते हैं, वो सिलेक्ट भी हो गए। शो के दिन सेट पर पहुंचे, जहां उन्हें ब्रीफ किया गया कि उन्हें इंडियन एक्सेंट यूज करना पड़ेगा। कैल ने समझाया कि वो अमेरिका में ही पले बड़े हैं, वो नॉर्मल तरीके से ही बोल सकते हैं। साथ ही वादा किया कि वो नॉर्मल तरीके से ही फन क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्टर सुनने को राजी नहीं। कैल ने अपने कजन्स का जिक्र किया, कहा कि वो शो के बहुत बड़े फैंस हैं, मतलब प्यार करते हैं, अगर कैल एक्सेंट यूज करेंगे तो उन्हें देखकर बुरा लगेगा। लेकिन डायरेक्टर कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं था। उसके बाद उसने चुभने वाली बात कही, कहा कि तुम और तुम्हारे कजन्स को अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए जो तुम्हें यहाँ काम करने का मौका भी मिल रहा है। कैल अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस किस्म की टिप्पणी उस वक्त कॉमन थी, जिसे इंडस्ट्री गलत भी नहीं मानती थी, लेकिन वो शुक्रगुजार हैं कि अब चीजें बदल रही हैं। लेट 90s और अर्ली 2000 हॉलीवुड में अडल्ट कॉमेडीज का दौर था, जहां अमेरिकन पाई और स्कैरी मूवी जैसी फिल्में रिलीज हुई जो आगे चलकर फ्रेंचाइज बन गई। इंडियन अमेरिकन को प्रोडक्शन अमेरिकन देसी में काम करने के बाद कैल ने भी अडल्ट कॉमेडी फिल्म में काम किया। वो फिल्म थी वैन वाइल्डर, लीड में डेडपूल वाले रायन रेनॉल्ड्स थे। यहाँ कैल का रोल काफ़ी छोटा था, हालांकि फिल्म के सीक्वल में उन्हें लीड करने का मौका मिला था। कैमियो से लीड का ये ट्रांजिशन मुमकिन हुआ वैन वाइल्डर के बाद आई एक अडल्ट कॉमेडी की वजह से, जो आज भी कैल के करियर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है। फिल्म थी हैरोल्ड एंड कुमार गो टू व्हाइट कासल, दो एशियन लड़कों की कहानी जो एक रात बर्गर खाने निकलते हैं। फिल्म के लिए कैल ने 7 rounds में ऑडिशन दिया था और फाइनली सिलेक्ट भी हो गए थे। कैल ने कुमार नाम का कैरेक्टर प्ले किया, पोर्ट्रे किया, जिसे उनके पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर नहीं बनती, हैरोल्ड एंड कुमार भी ट्रेंड बैंकिंग फिल्म नहीं बन पाई। बॉक्स ऑफिस पर आई हवा गई हवा टाइप हाल हो गया, फिर भी कैल पेन हिट हो गए। ऐसा हुआ दो इंडियन तरीकों की वजह से। पहला था वर्ड ऑफ माउथ, जिसकी वजह से हर दूसरे बंदे तक फिल्म की बातें पहुंच गई। दूसरी थी पायरेसी, फिल्म की डीवीडी की धड़ल्ले से पायरेटेड कॉपीज बिकी, जिसका फायदा फिल्म को तो नहीं हुआ लेकिन एक्टर्स को जरूर हो गया। कैल बताते हैं कि उन्होंने यूएस के स्टोर्स में भी फिल्म की पायरेटेड डीवीडीज बिकती हुई देखी थी। फिर और जगहों का हाल तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। फिल्म में काम करने के लिए कैल को करीब $75,000 मिले थे, जो उस समय सही अमाउंट था, लेकिन एजेंट मैनेजर पब्लिसिस्ट और बाकी सबकी फीस काटने के बाद वो अमाउंट आधे से भी कम हो गया। मजबूरन फिर कैल को अपनी और जॉब्स का रास्ता लेना पड़ा, उसी ओर मुड़ना पड़ा, लेकिन अब स्टार बक्स से लेकर जूस सेंटर तक कोई उन्हें रखने को राजी नहीं। सबने एक ही बात कही कि हैरोल्ड एंड कुमार के बाद लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं, ऐसे में हम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें देखने के लिए स्टोर पर भीड़ लगाने लगे। फिल्म की वजह से भले ही कैल को और जॉब्स ढूंढने में दिक्कतें आने लगी, लेकिन इसने उनके फिल्मी करियर को बड़ी मदद की। एक्समैन के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर हैरोल्ड एंड कुमार के बड़े फैन थे, इसीलिए जब वो सुपरमैन रिटर्न्स डायरेक्ट करने वाले थे तो एक रोल के लिए उन्होंने कैल को अप्रोच किया। कैल को अपनी ड्रीम डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका भी हैरोल्ड एंड कुमार ने ही दिलाया। कैल लगभग अपने हर इंटरव्यू में दो बुक्स का जिक्र करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, द कैचर इन द राय और द नेमसेक। झुम्पा लहरी के लिखे द नेमसेक को तो उन्होंने लिटरली जीने की कोशिश भी की। उन्हें किताब का लीड किरदार
गोगोल गांगुली बहुत पसंद था। खुद से उसमें कुछ समानता पाते और कुछ अंतर। कैल पर कैरेक्टर का ऐसा असर हुआ कि जब वो होटल में चेक इन करने जाते तो अपने नाम की जगह गोगोल गांगुली लिखवाते, और ऐसा उन्होंने अनेकों मौकों पर किया। कैल खुद इस नॉवल को अपडेट करना चाहते थे, राइट्स खरीदने की कोशिशें भी की, तो पता चला कि पहले से नॉवल के राइट्स बिक चुके हैं। अपने एजेंट के जरिए कैल को पता चला कि इस नॉवल को मीरा नायर अडेप्ट करने वाली हैं। कैल कुछ भी करके खुद को फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते थे, हर संभव तरीका आजमा लिया। मीरा से कॉन्टैक्ट किया, उन्हें लेटर्स लिखे, अपने एजेंट से कहलवाया, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। थक हार कर कैल ने एक आखिरी कोशिश करने की सोची, मीरा के नाम एक और लेटर लिखा, जहां लिखा कि उनकी वजह से ही वो एक्टर बन पाए और आपको मेरा ऑडिशन तो लेना ही होगा। लेटर भेज दिया, जिसके बाद अगले दो हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें कॉल आया, दूसरी ओर मीरा नायर थी जो कैल से मिलना चाहती थी। उत्साहित कैल मीरा से मिलने पहुंचे, लेकिन सारा जोश ठंडा हो गया जब मीरा ने बताया कि गोगोल के लिए पहले से ही किसी दूसरे एक्टर को कास्ट कर लिया जा चुका है। फिर मीरा ने उन्हें यहां क्यों बुलाया? क्योंकि उनका बेटा हैरोल्ड एंड कुमार का तगड़ा फैन था और वो पिछले 6 महीनों से मीरा के पीछे पड़ा था कि वो कैल पैन का ऑडिशन ले। बेटे के दबाव में आकर मीरा ने हैरोल्ड एंड कुमार देखी, पहली सोच यही आई, ये बंदा तो नेम सेक के लिए सही नहीं रहेगा। मीरा और कैल की लंबी चौड़ी बातचीत चली, जिसके बाद मीरा का उनके प्रति परसेप्शन बदल गया। दूसरी ओर जिस एक्टर को गूगल के लिए फाइनल किया गया था वो भी आनाकानी करने लगा था। ऐसे हालात में मीरा को कैल ही बेस्ट ऑप्शन लगे, उन्होंने बुलाया, फाइनल किया और आगे जो हुआ वो सबके सामने है। कैल के पेरेंट्स गुजरात के रहने वाले थे। बचपन की छुट्टियों में कैल अपने नाना नानी के यहाँ जाते, उनकी कहानियां सुनते कि कैसे वो महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, क्या हुआ था जब अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। ये किस्से छोटे कल्पेन को बोर करते, लेकिन बड़े होने पर उन्हें इसकी अहमियत समझ आई। एक्टिंग करियर में एस्टैब्लिश होने के बाद कैल अब सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे। इसी सोच के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली। 2007 और 2008 में प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार बराक ओबामा के लिए कैंपेन भी करने लगे। उस दौरान वो टीवी सीरीज हाउस पर भी काम कर रहे थे। ओबामा प्रेसिडेंट बन गए, दूसरी ओर हाउस पर उनका कैरेक्टर भी मर चुका था। पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देने की सोची। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें व्हाइट हाउस में एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एंगेजमेंट की पोस्ट ऑफर कर दी, जिसे कैल ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कैल ने व्हाइट हाउस में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उन्हें ब्रेक लेना पड़ा हैरोल्ड एंड कुमार के तीसरे पार्ट को शूट करने के लिए। फिल्म पर काम पूरा करने के बाद वो 15 नवंबर 2010 को फिर से व्हाइट हाउस लौट आए। कैल ने अपने करियर में करीब 75 से ज्यादा फिल्मों और टीवी शोज पर काम किया है। सभी के बारे में बात करना यहाँ मुमकिन नहीं, इसलिए हम आपको उनकी कुछ चुनिंदा कमाल की परफॉर्मेंसेस के बारे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले भोपाल, अ प्रेयर फॉर रेन। भोपाल गैस ट्रेजेडी को बैकड्रॉप लेकर बनाई गई इस फिल्म में कैल ने एक जर्नलिस्ट का रोल निभाया, लोकल पत्रकार जिसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर गैस कांड के बाद उसकी सच्चाई जनता के सामने लाने में जुट जाता है। शूट के लिए कैल को इंडिया बुलाया गया। कैल अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी डायरेक्टर ने उन्हें टोक दिया, कहा कि आपको अपने डायलॉग हिंदी में बोलने हैं। कैल इस बात से परिचित नहीं थे, उनकी अंग्रेजी अच्छी थी, गुजराती भी ठीक ठाक थी, लेकिन हिंदी की हालत बेहद खस्ता। लोकल कैरेक्टर को तो हिंदी आनी चाहिए, लेकिन इतने कम समय में सीख भी नहीं सकते। कैल ने एक रास्ता निकाला, इंडिया में रहने वाले अपने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाना शुरू किया। वो फ़ोन पर अपनी लाइंस बोलते और पूछते कि क्या ठीक से बोल रहे हैं। ऐसे करके कैल ने अपनी हिंदी सीखी। दूसरा नाम है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर का। रियल लाइफ में व्हाइट हाउस में काम करने के बाद कैल ने रियल लाइफ में भी ये रोल किया। उन्होंने डेजिग्नेटेड सर्वाइवर में सेथ राइट नाम का कैरेक्टर निभाया, जो व्हाइट हाउस में बतौर स्पीच राइटर का काम करता है। प्रेस सेक्रेटरी की डेथ की वजह से सेथ को उनकी पोजीशन संभालनी पड़ती है। अपने पास्ट अनुभव के चलते कैल ने शो पर बतौर पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी काम किया। तीसरा नाम है क्लारस का। 1991 में एक क्लासिक फिल्म आई थी, द साइलेंस ऑफ द लैम। ये शो उस फिल्म के एक साल बाद के इवेंट्स की कहानी है। साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा की लीड नायिका क्लारिस स्टार्लिंग है, लेकिन कैल भी शो पर मेजर कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे थे। इसी साल मई में शो का पहला सीजन रिलीज हुआ है। कैल्पन एक उम्दा स्टोरी टेलर हैं और वो पॉइंट समझाने के लिए आपको उनकी फिल्में देखने की ज़रूरत नहीं, उनका कोई भी इंटरव्यू उठा लीजिए, समझ जाएंगे। वो आगे भी कमाल का काम करते रहें, ऐसी हमें उम्मीदें हैं। बाकी आज के मैटनी शो में आपके लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों दी ललन टॉप। मैं सोनाली हूँ, शुक्रिया।